हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द ऑल न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो 2K21। जैसा कि हम सबको पता है कि स्कॉर्पियो में जितने भी चेंजेस आए 2002 से लेकर आज तक, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसिव अपग्रेड्स हुए हैं स्कॉर्पियो के साथ। लेकिन इस बार का जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ये जो 2K21 मॉडल होगा, इसकी जो एक्सटीरियर बॉडी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैसिव अपग्रेड्स आपको मिलेंगे। जो डिज़ाइन है, जो न्यू पैनल्स है, और ये सारी चीज़ें 2K21 के न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है। अगर हम बात करें इसके इंटीरियर अपडेट्स के बारे में, तो फर्स्ट चीज़ आप नोटिस करेंगे वो होगा उसका न्यूली डिज़ाइन डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड जो है प्रीमियम क्वालिटी के साथ आपको लग्जरियस फील भी देगा। डैशबोर्ड के बीचों बीच आपको मिलता है मल्टी टच स्क्रीन कंसोल। ये जो कंसोल है एप्पल और एंड्रॉयड दोनों की ही कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। मल्टी टच डिस्प्ले जो है वो हेडसअप पोजीशन में है, यानी कि उसे डैशबोर्ड के अंदर माउंट नहीं किया गया है, वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर दिखाई देगा। इसी के साथ आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो प्रीवियस स्कॉर्पियो से ही अपग्रेड किया गया है। तो बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें आपको पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट दोनों ही मिलता है। पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करें तो 2 लीटर G20 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है इसमें, जो प्रोड्यूस करता है 190 हॉर्स पावर और 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये आपको दोनों ही मैनुअल और ऑटोमेटिक में मिल जाती है। इसका जो टॉप वेरिएंट होगा वो एक्सपेक्टेड है कि उसमें 4-व्हील ड्राइव हो सकता है। अगर हम बात करें इसके डीजल इंजन के बारे में, तो ये जो डीजल इंजन है ये है 2.2 लीटर BS5 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 140 का हॉर्स पावर। और इसमें भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कंसोल्स के बारे में, तो एक्सपेक्टेड है कि स्कॉर्पियो 2K21 जो है वो अपने सारे इलेक्ट्रिकल कंसोल्स मराजो से शेयर करेगी। अगर हम बात करें इसके एक्सटीरियर अपडेट्स के बारे में, तो जो हेडलाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और शार्प हैं, लेकिन इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी होंगे। एयर इनलेट जो हमें हुड और साइड पैनल्स पर दिखाई देते थे, वो अब पूरी तरह से रीडिज़ाइन होंगे। बम्पर जो है उसके डायमेंशंस चेंज कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा मस्क्यूलर लगेगा। ग्रिल जो है, ग्रिल पूरी तरह से चेंज हो गया है। लाइक प्रीवियसली हम यूज़ कर रहे थे हनीकॉम डिज़ाइन, बट अब वो चेंज होकर पूरी तरह से वर्टिकल फ्रंट ग्रिल हो चुका है। अगर हम बोनेट की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा रिसेंबल करता है स्कॉर्पियो के हाइब्रिड वेरिएंट से। सो गाइज, ये ऑल न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ 2K21। इन्फॉर्मेशन का मीटर यही डाउन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।